किसानों के लिए अच्छी खबर, 24 तारीख को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि आ सकती है, इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। 2000 की किस्त को लेकर कृषि मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किया है, लिहाजा पेमेंट का सेटलमेंट 22 या 25 तारीख को करने को कहा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है, बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6000 की जगह 8000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2000 की 4 किस्तों में, और अभी जो 13वीं किस्त आनी है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। देश भर के 12 करोड़ किसानों को मिली खुशखबरी, इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसान पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो 13वीं किस्त का इंतजार किसानों का बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यदि आप किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने EKYC तथा भूलेख सत्यापन का कार्य करवा लें। यदि आपको भी पीएम किसान योजना के तहत किसी प्रकार से समस्या आ रही है तो आप पीएम किसान योजना के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1552 कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का सुलझा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की जो धनराशि ट्रांसफर की जाने वाली है आपके खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया जाए, इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने EKYC तथा भूलेख सत्यापन का कार्य करवा लेना है। जो पीएम किसान योजना की किस्त है किसानों के खाते में 8 मार्च यानी कि होली से पहले देश भर के 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द EKYC अपडेट करवाएं, आपके खाते में पीएम किसान योजना की जो किस्त का पैसा है होली से पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।